मैंने अपने पर्दे वर्दे भी क्लिप से बांध के रखे, अभी मैं नीचे आपको दिखाऊंगा। ऐसे यहाँ पे क्लिप्स लगाए हैं, एक ऐसे क्लिप्स इधर से लगाया और इधर में भी अंदर से लगा। भजन चल रहा है, छवि डांस कर रही है। ये हमारे डांसर की कमी नहीं है। सी गाइस, बने की तहरी मतलब ऑलमोस्ट काफी यम्मी होता है। देखा है? देखा नहीं, खाया भी है लोगों ने। मॉर्निंग गाइज, एंड दिस इज केतन चौहान, एंड वेलकम बैक अंदर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आपका भाई अच्छा है और आप भी होप सो अच्छे ही होंगे। सो अगेन आप सभी का स्वागत करना चाहूँगा अपने एक न्यू ब्लॉग पे। और छत पे एज यूजुअल मेरे छत पे हमेशा घर कपड़ा रहता है, अभी कुछ ज़्यादा संख्या में रोक रहता है ना, मतलब दैट्स वाई। तो डेली किसी ना किसी का उतरता है, तो सफाई होना है, सफाई होना है तो साफ होना है। और इधर तो पार्टी वार्टी का मैटर था तो इस पर ज़्यादा दिख रहा होगा, इसीलिए मैं इस साइड होकर बना रहा हूँ ताकि आपको कपड़े ना देखने पड़े। एग्जैक्टली। और इधर नया दी और इसने बैठी हैं, दे आर जस्ट टॉक टू ईच अदर। मैं भी जस्ट नीचे से आया थोड़ा धूप लेने के लिए, बिकॉज आज धूप का लेवल बहुत ज़बरदस्त है, मतलब अच्छी खासी धूप हो रखी है आज। तो मैं सोचा कि छत पे चलता हूँ, थोड़ा धूप वूप ले लेता हूँ, बिकॉज बहुत ठंडी लग रही थी नीचे। मैंने अपने पर्दे वर्दे भी क्लिप से बांध के रखे, अभी मैं नीचे आपको दिखाऊंगा कि कैसे मैंने क्लिप से बांध के रखे, बिकॉज एयर जाता है तो बैठने में काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। और अभी काफ़ी देर से यहाँ से, तो अभी नीचे चलते हैं और नीचे जाके देखते हैं और सारे काम वाम। तू मेरा मैं तेरा, हम शाम के चेले। अब पूछा कर रहे जी, मैंने कैसे रोक रखा है ये? मैंने ऐसे ऐसे यहाँ पे क्लिप्स लगाए हैं, एक ऐसे क्लिप्स इधर से लगाया और इधर में भी अंदर से लगा के रखा, जिससे मतलब थोड़ा एयर नहीं जाए। वरना यहाँ पे बैठ के काम करना, मतलब यूजफुली आप बैठे हो तो प्रॉपर एयर, ऊपर से एयर आता है ना, बिकॉज ऊपर जाली हमारी खुली हुई है तो वहाँ से हमें प्रॉपर एयर आता है। तो इसलिए हमें मैंने मेरे को ऐसा करना पड़ा। अब भी सी ये ऊपर एरिया ना, ऊपर एरिया से काफ़ी धूप मतलब हवा आता है। सो अभी ठंडी का वेदर है और वेदर भी चेंज हो रहा है, काफ़ी धूप निकल, मतलब सुबह मस्त थोड़ी ठंडी होती है। मैं मंदिर गया हूँ तो अच्छी खासी ठंडी थी, मस्त लेवल का ठंडा लगा था। तो मेरे को लगा कि शायद मेरे को कान वान बांधने की इम्पोर्टेंस है, दैट्स व्हाई मैंने दी को बोला कि कुछ निकाल दो जिससे मैं अपने कान वन ढक लूँ। इनर्स उनर्स भी ठीक है, अब जैकेट्स भी निकालने पड़ेंगे आई थिंक सो। और आर्यन ने स्कूल बंक मार दिया, सुनो मतलब चला तो बंदा 9 बजे जाता है, लेकिन खड़ा मतलब उसको वहाँ पे पनिश किया था इस चक्कर में। और हुआ क्या कि मैं उठाऊ, मैं 7 बजे उठा, देखा वॉशरूम खाली नहीं है, मतलब वो नहाने वाला मैटर ही नहीं हो रहा था। तो मैं फिर जाके लेट गया, फिर ऐसे उठा, फिर लेटा है, 2-3 बार गया, ऑलमोस्ट 7:30 तक मैं उठ गया। बट भाई साहब को ऑफ स्कूल जाना था, बट भाई साहब 7:30 तक नहीं उठे थे। देखा, तो ये सारी चीज़ें चल रही थी तो इसलिए इनको डांट भी पड़ा, पापा ने भी डांटा। और नया दी तो सबको डांटती रहती है, उसकी बात ही खत्म है। अब आ रहे बताएंगे, बताए सर कैसा फील कर रहे हैं आप? हैं, डांट खाने के बाद भी अच्छा फील कर रहे हैं? आदत हो गई ना? नहीं नहीं, आप कहो आदत हो गई है, कहो कहो आदत हो गई ना? नहीं यार। और मम्मी और जिजी नहीं है घर पे, बिकॉज आज कुछ मतलब यू नो कुछ पूजा वूजा होता है शादी के बाद, तो मासी क्या वो लोग गई हैं, मम्मी और जिजी। छवि स्कूल है और चेतन ऑफिस है, और अपन लोग का भी जाने का टाइम हो रहा है, बिकॉज ऑलमोस्ट 12 बजने वाले हैं। सो जल्दी जल्दी अपना काम फिनिश करता हूँ और पापा पूजा फिनिश करेंगे, देन वी विल ऑल्सो गो। वेलकम बैक गाइज, भजन चल रहा है, छवि डांस कर रही है। ये हमारे डांसर की कमी नहीं है। सी गाइज, मतलब वाकई में लिटरली दैट्स गुड। बाब नंगे पाव पधारा और मैं चाय पी रहा था, और इधर हो रहा है भजन पे डांस। सुख हरता सुख करता तेरे पास आया हूँ, चरणों में तेरे हरिदास लाया हूँ। सही है, गुड, डांस करना चाहिए, इंपॉर्टेंट। चरणों में तेरे अरे दास लाया हूँ। आर्यन पीछे बैठा हुआ है, लोगों ने सेम सेम कलर पहना है। हाँ मतलब फुल ऑफ मैचिंग मैचिंग चल रहा है, रेड के अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट शेड। यस यस,
चेतन का बाल अब अच्छा लग रहा है, मतलब ऐसा कूद लिया भाई साहब, बाल सही लग रहा है बंदे का। इधर बैठी है मम्मी और नयाली, मतलब ऊपर देख थोड़ी रहा है, मैं नीचे बैठने का हूं। इधर है मम्मी और नयाली, इधर कट रहा है सब्जी चर बनने का। कौन सी बनेगी? बनेगी तहरी, मतलब ऑलमोस्ट काफी यम्मी होता है। मे बी आपने खाया नहीं, खाया, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस थिंग, बट लिटरली बहुत यम्मी होता है ना तहरी। और नयाली बहुत अच्छा बनाती है, और सब्जी मास्टर इधर इसने बैठी है, मतलब शी इज मेकिंग गुड सब्जी, मतलब जबरदस्त सब्जी बनाती है। और आर्यन को बहुत अच्छे तरीके से क्या बनाना आता है? नहीं, आर्यन सूप अच्छा बनाता है। पापा ने डाटा नहीं समझाया बेटा, डाटा नहीं था, सुबह स्कूल न जाने के लिए थोड़ा बहुत मिला। बहुत मतलब काफी लेट हो गया, घर पर गेस्ट हाउस आए हुए हैं, दैट्स व्हाई ठंडी बहुत लग रही है। ठंडी का लेवल बढ़ चुका है, आठ बड़ी ना, ठंडी का लेवल आज फिर भी बढ़ा हुआ है और काफी ठंडी है। बस सभी के साथ मैं भी मगज मारी मार रहा था, अभी उठ के आया काम वाम करके, तुमने कहा मिल लेता सबसे पहले। और भैया कार्ड वर्ड वो कम हो गया अपने आप को चेकआउट कर, हाँ मैं कैसा दिख रहा हूँ। शुभ सुबह है आर्यन को, देखो इसके बाल भी बड़े हो गए, दाढ़ी बड़ी हो गई, सब बोलते हैं कड़ा भाई से कड़ा। खाटू वाड़े की जयकारे बोलो जी बोलो। ये संतरा, हाँ ये तो सबको पता है संतरा, कोई लगा कर आप खाएंगे? इतना बड़ा संतरा आपने देखा है? देखा नहीं, खाया भी है लोगों ने। बहुत सारे रखे इधर इधर, मतलब वो जैसे हम लोग यहाँ शादी वादी होती है तो ऐसे बैना आता है, इसको बैना बोलते हैं, इसको बोलते हैं बैना। इतने सारे हैं मासी के यहाँ से आए, देख लीजिए। हाँ खा लेंगे, चेतन वहाँ के फ्री में मिला हुआ ना, तो इसलिए मौज मारे हैं भाई साहब, और फ्रिज में भी रखे हैं सबका कपड़ा उपड़ा आ गया। और आर्यन अभी, और आर्यन अभी बोल रहा है कि ना मैं मेरा भी लेके आओ कपड़ा उपड़ा, बेचारा परेशान है। वो ये आया है, मतलब थोड़ा मैं प्रॉपर लुक नहीं दूंगा, मैं उसका टेंशन मत लो तुम, मतलब छवि मेरे को डांट रही है, अरे कैसे मेरा लहंगा रिवील कर रहे हो। मतलब ऑलमोस्ट सभी शॉपिंग करके आए हैं, तो मैं सबके कपड़े देख लेता हूँ और अभी रिवील नहीं करता हूँ, बिकॉज मेरे को डांट पड़ रही है सभी, मतलब छवि भी मेरे को डांट रही है, तो छवि भी मेरे को डांट रही है कि भाई ऐसे मत दिखा, मामा ऐसे मत करो, डांट रही है। और इधर मम्मी देखो, मम्मी कैसे बैठी है आराम से पलथी उलथी मार के। तो मैं किसी का लहंगा मैं किसी को दिखाने में मैं खुद दुखूंगा, और देख के मैं बताऊंगा बाद में कैसा किसका किसका अच्छा है, ठीक है? तो अभी मैं खुद से सबको रिव्यू दूंगा, वो मैं रिव्यू आपके सामने दूंगा, बट उससे पहले दिखाऊंगा नहीं, अभी चेक करके मिलता हूँ, देख लो फिर मिलता हूँ मैं आपसे। सो फाइनली अभी मैंने सभी का लहंगा गाइस देख चुका हूँ मैं, और उधर इसी का आवाज भी आ रहा है बिकॉज मैंने चाबी थोड़ा पंच वंच मार दिया, दैट्स व्हाई ऑलमोस्ट। बट हाँ लहंगा सभी के अच्छे, अच्छा खासा रुपया खर्च करके आ गया यार, मतलब। और आर्यन को दुख है कि बेचारे का कपड़ा नहीं आ रहा है। हाँ ये टोल टू मी, इसने का लहंगा वाकई में अच्छा है, इसने का बेस्ट है, और छवि का भी अमेजिंग है, छवि का ऑल्सो लुकिंग अमेजिंग, वर्षा का है और जिज्जी का, मतलब ऑलमोस्ट सभी अच्छा खासा पैसा भी खर्च करके, और सभी ने अच्छा प्रोडक्ट भी अच्छा देखा, ऐसा नहीं है। ये जो अभी करंटली आप पीछे हल्का दिख रहा है ना, ये वर्षा का है, तो अभी प्रॉपर रिव्यू नहीं करूँगा, डांट पड़ेगी, अब यू नो आई टोल्ड यू ना, डांट पड़ेगी मेरे को, तो इसीलिए अभी कुछ नहीं करते। शॉपिंग चल रही है कंटिन्यू, तो शॉपिंग चलती रहेगी और देखो कब तक जाएगी, बिकॉज देखो शादी की शॉपिंग तो ऐसी होती है दोस्तों, जब तक आप प्रॉपर जाके ना, शादी हो रही है तब तक शॉपिंग 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 चलती रहेगी। तो बिटिया को यहां ले लियो थे, छोड़ो एक मिनट को छोड़ देता हूँ। अभी आपके कितने ड्रेस हो गए? ऑलमोस्ट भाई साहब, आर्यन आपके कितने हुए? चेतन आपके? और देखो इसलिए आपके मेरे एक हो गए। ओके नया देखिए बातें करेंगे, तो बिकॉज उनका शादी है, और जिज्जी का दो हो चुका है, मम्मी का नहीं हुआ है, मतलब भाई लोगों का भांजे कुछ नहीं हुआ भाई साहब, बस इन्हीं लोग का पर्चिंग चल रहा है। हाँ और जिज्जी का हो गया, सभी का हो गया, अपन लोगों का कुछ नहीं हुआ, ठीक है, इट्स ओके, मेरे को उतना वो नहीं है। मैं देखूंगा अगर लास्ट टाइम पे शायद लखनऊ जाऊंगा, वहां से लेके आऊंगा जहाँ देखा जाएगा, बिकॉज मेरे को एक ब्लेजर चाहिए साथ में कोट पैंट चाहिए, सो इट नॉट मीन दैट कि वेयर आई विल बी परचेज, बट हाँ ठीक है ले लेंगे। और अभी खाना खाने का टाइम है, बहुत लेट हो रहा है, तो लेट्स गो अभी खाना खाते हैं, आज के ब्लॉग को भी यही समाप्त करते हैं। होप सो आपको वीडियो पसंद आएगा, प्लीज चैनल पर सपोर्ट करिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वी नीड योर सपोर्ट, टेक केयर, गुड नाइट, सी यू, टाटा।